तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर आईपीएल 2023 की। अलग अलग टॉपिक पर हम आप लोगों के सामने वीडियो ला रहे हैं, अलग अलग टॉपिक पर हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, बड़े दिलचस्प टॉपिक का आप लोगों के सामने ला रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग पसंद करते होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। अब मैं चर्चा करूंगा आईपीएल के मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज की। हर टीम के गेंदबाजों को लाया हूं, मतलब कुल मिलाकर बात यह कि 10 टीमें हैं, 10 टीमों के दो दो गेंदबाज, मतलब 20 गेंदबाज। वो 20 गेंदबाज जिन 20 गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने की टक्कर होगी, जिन 20 गेंदबाजों में से पर्पल कैप विनर कोई एक गेंदबाज होगा 100%। और क्यों इन गेंदबाजों को मैंने रखा है, इसके पीछे की मैं आप लोगों को वजह भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की जोफ्रा आर्चर, मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल 2023 में जोफ्रा आर्चर कमाल करेंगे, सबसे ज्यादा मुंबई में विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक रहेंगे। और उनके साथ रहेंगे ऋतिक शौकीन। मेरे भाई घरेलू सीजन बहुत शानदार गया है, कमाल के टच में है ऋतिक शौकीन। हाल ही में विराट कोहली को प्रैक्टिस करवाई थी, वहां भी विराट कोहली को परेशान किया था ऋतिक शौकीन ने। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बार सारे घरेलू मैदानों पर, अपने अपने घरेलू मैदानों पर सबके मैचेज होंगे, तो स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है इस बार। इस बार स्पिनर्स जो है वो ज्यादा रोल में रहने वाले हैं, ज्यादा इफेक्टिव रहने वाले हैं। और ऋतिक शौकीन के पास विकेट लेने की कला है, बहुत शानदार गेंदबाज है। इसलिए ऋतिक शौकीन और जोफ्रा आर्चर, ये मुंबई से दो गेंदबाज होंगे जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले होंगे। और मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आईपीएल 2023 में जोफ्रा आर्चर लीडिंग टॉप 5 विकेट टेकर गेंदबाजों में से एक होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जोफ्रा आर्चर टॉप 5 विकेट टेकर गेंदबाजों में से एक होने वाले हैं। उसके बाद में सीएसके की बात करता हूं मैं, मुकेश चौधरी, उसके बाद में महेश तीक्ष्णा। मेरे भाई स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा और महेश तीक्ष्णा शानदार फॉर्म में, कमाल का टच है महेश तीक्ष्णा का। इसीलिए मुझे लग रहा है कि महेश तीक्ष्णा इस बार सीएसके के लिए कमाल करने वाले। दीपक चाहर का नाम मैंने यहां नहीं लिखा है क्योंकि फॉर्म नहीं है, फिटनेस नहीं है, उस तरीके की गेंदबाजी मुझे लगता नहीं है कि कर पाएंगे। इसलिए महेश तीक्ष्णा और मुकेश चौधरी, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो गेंदबाज होंगे, ये दोनों गेंदबाज कमाल की प्रदर्शन इस बार आईपीएल। थोड़ा सा सीएसके की मुझे गेंदबाजी हल्की सी कमजोर नजर है, लेकिन महेश तीक्ष्णा उनके पास एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, ये गेंदबाज ऐसा उनके पास है। उसके बाद में आरसीबी के पास देखिए मोहम्मद सिराज है, उसके बाद में इनके पास एक स्पिनर है हसरंगा। मेरे भाई इस वक्त कमाल की टच में है, बहुत शानदार टच में है। 2022 में विकेट बहुत लिया हसरंगा ने और बहुत बेहतर तरीके से विकेट निकाले। और इस बार जब स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा तो हसरंगा के ऊपर सबके नजर रहेगी। लेकिन मैं आरसीबी के लिए एक तीसरे गेंदबाज का जिक्र भी करना चाहूंगा और मुझे लगता है कि वो गेंदबाज भी इस बार बहुत कमाल का प्रदर्शन करेगा, वो है रीस टॉपले। मुझे लगता है कि ये जो गेंदबाज है ना, ये गेंदबाज भी इस बार कमाल का टच में है और शानदार गेंदबाजी कर रहा है, विकेट टेकर है, उछाल उसको मिलता है, लंबे कद का गेंदबाज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रीस टॉपले भी कुछ विकेट चटकाएंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मोहम्मद सिराज, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की फॉर्म है, जैसे जिस तरीके की फिटनेस और फॉर्म के साथ खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि टॉप 5 में मोहम्मद सिराज भी एक गेंदबाज आपको देखने को मिल सकते हैं। टॉप 5 लिस्ट जब आएगी तो उसमें आपको मोहम्मद सिराज भी नजर आएंगे। उसके बाद में दिल्ली कैपिटल, कुलदीप यादव और हेनरिक नॉर्जे। मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव जो है वो दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहेंगे, क्योंकि आपने दिल्ली की पिच देखी, किस तरीके की पिच है, वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, खूब मदद मिलेगी। और वहां पर जब कुलदीप यादव गेंदबाजी करेंगे तो मेरे भाई देखने लायक होगा दिल्ली की पिच पर और बाकी मैदानों पर भी कुलदीप यादव। ऐसा तो है नहीं कि नए गेंदबाज हैं या उनको तजुर्बा नहीं है या उन्होंने बाकी मैदानों पर गेंदबाजी नहीं की है, कुलदीप यादव तो तजुर्बेकार गेंदबाज है। इसलिए जिस मैदान पर भी कुलदीप जाएंगे विकेट चटकाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज इस बार कुलदीप यादव रहने वाले हैं, लिखकर लिख लेना। हेनरिक नॉर्जे उनका बखूबी साथ देंगे, बखूबी मदद करेंगे और ये दो गेंदबाज आपको नजर आ सकते हैं। कुलदीप यादव मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स के टॉप 5 में रहेंगे, स्पिनर्स के टॉप 5 में, या फिर हो सकता है कि टॉप 2 में भी कुलदीप यादव रहें। स्पिनर्स की अगर मैं लिस्ट की बात बताऊं तो कुलदीप यादव वो गेंदबाज है जो स्पिनर्स की लिस्ट में टॉप 5 गेंदबाजों में से एक रहने वाले हैं। उसके बाद में एलएसजी, मेरे भाई रवि बिश्नोई, याद रखना इस नाम को। लखनऊ में जब टीमें जाएंगी तो भाई लखनऊ की पिच आपने देखा था ना, T20 को टेस्ट बना दिया था, आपको याद
होगा वही उसी पिच पर रवि बिश्नोई का भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और वैसे भी रवि बिश्नोई इस वक्त टीम इंडिया के लिए उभरते हुए सितारे हैं, उभरता हुआ सितारा है। अगर सबसे पहले कोई रिप्लेस करेगा बाकी स्पिनर्स को तो रवि बिश्नोई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई, उसके बाद में सेन अच्छे गेंदबाज है, बहुत शानदार गेंदबाज है, लेकिन रवि बिश्नोई के ऊपर मेरी नजर रहने वाली। मुझे लगता है कि टॉप 5 गेंदबाजों में रवि बिश्नोई भी रहने वाले हैं। एसआरएच के लिए उमरान मलिक, वॉशिंगटन सुंदर, दोनों कमाल के गेंदबाज हैं, दोनों शानदार गेंदबाज हैं। मुझे लगता है कि उमरान मलिक और वॉशिंगटन सुंदर दोनों के ऊपर नजर रहने वाली है। शानदार तरीके से वॉशिंगटन सुंदर फॉर्म में भी और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। उसके बाद में गुजरात टाइटंस में देखिए राशिद खान और मोहम्मद शमी दोनों कमाल की टच में है, दोनों बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राशिद खान तो इस वक्त कमाल के बेहतर फॉर्म में है और मोहम्मद शमी को आपने देखा ही है, पिछले बार भी 2022 में मोहम्मद शमी ने कमाल की प्रदर्शन किया था। तो गुजरात की तरफ से ये दो गेंदबाज होने वाले हैं जिन पर नजर रहने वाले, और राशिद खान टॉप 5 गेंदबाजों में से एक रहेंगे स्पिनर्स में, और मोहम्मद शमी टॉप 5 गेंदबाजों में रहेंगे तेज गेंदबाजों में। यह ध्यान रखना, मोहम्मद शमी टॉप 5 में तेज गेंदबाजों में, राशिद खान स्पिनर्स में रहने वाले हैं, कमाल की गेंदबाजी दोनों करने वाले हैं। केकेआर की तरफ से लॉकी फर्गुसन, हर किसी की नजर रहेगी, मेरी भी नजर रहेगी, और लॉकी फर्गुसन और सुनील नारायण ये दो गेंदबाज ऐसे रहने वाले हैं जो केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, और मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज ये लॉकी फर्गुसन और सुनील नारायण रहने वाले हैं केकेआर की तरफ से। उसके बाद में राजस्थान, देखिए राजस्थान की तरफ से मैं आप लोगों को बताऊं कि ट्रेंट बोल्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जब भी वो आते हैं वो विकेट चटकाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट बोल्ट राजस्थान की तरफ से कमाल का प्रदर्शन करने वाले हैं। और उसके बाद में अश्विन, मुझे चहल पर इस बार भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि चहल इस बार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चहल का इस बार प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहेगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, और इसीलिए अश्विन को मुझे ऐसा लगता है कि शायद अश्विन इस बार मोस्ट विकेट टेकर स्पिनर्स रहेंगे राजस्थान की तरफ से, और हो सकता है कि स्पिनर्स के मामले में टॉप 5 रैंक में वो कहीं ना कहीं जरूर रहेंगे। उसके बाद में पंजाब की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिकंदर राजा, अगर मौका दिया गया तो सिकंदर राजा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन करेगा अगर पंजाब की तरफ से इसको मौका दिया गया और उसको खिलाया गया। और उसके बाद में अर्शदीप सिंह मुझे नहीं लगता सैम करन ज्यादा विकेट लेगा, आप लिखकर लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सैम करन इस बार फेल होने वाला है, सैम करन इस बार ज्यादा विकेट नहीं लेगा। मुझे लगता है सिकंदर राजा और अर्शदीप सिंह ये पंजाब की तरफ से वो दो गेंदबाज होंगे जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनेंगे। तो ये लिस्ट है मेरी हर टीम की, मैं लेकर आया हूं, हर टीम के दो दो गेंदबाज मैंने बताए हैं जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज होंगे। अगर मैं तेज गेंदबाजों की बात करूं तो टॉप 5 में तेज गेंदबाजों की तो जोफ्रा आर्चर, उसके बाद में आप मोहम्मद सिराज को रख लीजिए, उसके बाद में आप अगर मैं टॉप 5 की बात करूं उमरान मलिक हो सकता है उसमें से एक तीसरा गेंदबाज, मोहम्मद शमी चौथा गेंदबाज, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट बोल्ट ये पांचवा गेंदबाज हो सकता है जो टॉप 5 में तेज गेंदबाजों में रहेंगे। स्पिनर्स में अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है महेश तीक्ष्ण एक स्पिनर्स रहेंगे, उसके बाद में हसरंगा एक हो सकते हैं, कुलदीप यादव तीसरा स्पिनर, रवि बिश्नोई जरूर रहेगा मुझे ऐसा लगता है कि चौथा स्पिनर, और राशिद खान अश्विन जैसे स्पिनर्स भी रह सकते हैं। तो ये टॉप 5 स्पिनर्स रहेंगे आईपीएल 2023 में। आपको क्या लगता है कौन सी टीम के गेंदबाज आपको लगता है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले हैं, और सबसे ज्यादा विकेट आईपीएल 2023 में कौन सा गेंदबाज रहेगा, किस गेंदबाज के सर पर पर्पल कैप रहेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी।